गाइस, मैं आज बात करने जा रहा हूँ खूबसूरती और भव्यता का शानदार करिश्मा ताज होटल के बारे में, जिसमें आप भी एक रात गुजारना चाहेंगे। और दोस्तों, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ताज होटल की सुविधाएं की चर्चे पूरी दुनिया में किए जाते हैं। साथ ही ये बता दूं कि ये होटल ताज ग्रुप की ताज होटल पैलेस का एक हिस्सा है, जिसकी शुरुआत एक महान शख्सियत टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा ने किए थे। आज के टाइम पे ताज होटल के कुल 99 ब्रांचेस है, जिसमें से 83 तो सिर्फ इंडिया में ही है और बाकी के 16 होटल मालदीव, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, यूके और यूएसए जैसे देश में है। लेकिन दोस्तों, यह होटल के निर्माण के पीछे एक बड़े ही दिलचस्प कहानी है, तो इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे। दरअसल बात यह है कि दोस्तों, जमशेद जी टाटा मुंबई के एक नामी दामी होटल वाटसन होटल में ठहरने के लिए गए थे, लेकिन इस होटल में इन्हें एंट्री ही करने नहीं दिया गया था। दरअसल इस होटल के गेट पर एक बोर्ड टंगा हुआ था, जिस पर लिखा था कुत्ते और भारतीय की प्रवेश इस होटल में वर्जित है। और इसे देखकर जमशेद जी को बहुत बुरा लगा और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक अपना खुद का भव्य होटल बनाएंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने 16 दिसंबर 1903 को कर दी थी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जमशेद जी ये होटल उनके दोस्त के कहने पर शुरू किए थे, क्योंकि उस टाइम पे मुंबई में अच्छे होटल की बहुत कमी थी। और दोस्तों, जब ताज होटल खोला गया था तो इसकी खूबसूरती और सर्विस के आगे वाटसन जैसे बहुत सारे बड़े बड़े विदेशी होटल भी कुछ भी नहीं थे। ये उस टाइम के इंडिया का पहला ऐसा होटल था कि जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी, अमेरिकन फैन, जर्मन एक्सलेटर और टर्किश बाथरूम जैसे अभूतपूर्व सुविधाएं थी। और इन सभी सुविधाओं के चलते लोगों ने इस होटल का नाम ग्रैंड होटल दिया था। आगे चल के इंडिया का पहला लाइसेंस बार यही होटल पे खोला गया था और देश का पहला डिस्को भी यहीं पे खोला गया था। शुरुआती दिनों में इस होटल पे सिर्फ 13 रुपये किराया देकर कोई भी ठहर सकता था। और इस होटल में यूरोप के बड़े बड़े व्यापारी के साथ राजा महाराजा भी ठहरा करते थे। और इस होटल में बाद में बड़ी बड़ी हस्ती जैसे कि बिल क्लिंटन, माउंटबेटन जैसी हस्तियाँ भी ठहरा करते थे। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस होटल को एक 600 बिस्तर वाली हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था, जहाँ पर जख्मी लोगों को इलाज किया जाता था। और ताज होटल समय के साथ साथ बहुत सारी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। वहीं 2008 में इस होटल को आतंकवादी का हमले का सामना भी करना पड़ा था, फिर भी इस होटल का रुतबा पूरी दुनिया में फीका नहीं पड़ा था। और हमले के बाद में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस होटल में रहकर होटल को इंडिया की लोगों का ताकत का प्रतीक बताए थे। और एक खास बात है कि दोस्तों, इस होटल में आज भी कुछ ऐसी चीज रखी गई है जो कि 2008 में हुई थी आतंकवादी हमले की पुष्टि करता है। वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ऐसे ही हमें फेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।